कोरोना के कारण पूरे इंदौर में कोरोना कर्फ्यू जारी है। ऐसे में लोगों को घर में ही रहने की हिदायत दी जा रही है, लेकिन कुछ लोग कोरोना नियमों का पालन ना करते हुए न सिर्फ घरों से बाहर निकल रहे हैं बल्कि बड़ी बड़ी वारदातों को भी अंजाम दे रहे हैं। इसी के चलते दो हैरान करने वाले मामले इंदौर से सामने आए हैं। पहला मामला इंदौर के शिवकंठ नगर से सामने आया है, जहां दो लोगों में एक दूसरे को कोरोना कहकर चिढ़ाने पर हंगामा मच गया और बात इतनी आगे बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे पर लाठी डंडा लेकर हमलावर हो गए और एक दूसरे को जमकर पीटने लगे। मामले में पुलिस ने 40 साल के रवि की शिकायत पर पास के ही रहने वाले राहुल सैन के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज किया है। फरियादी ने पुलिस को बताया कि आरोपी राहुल सैन उसे रोज कोरोना कहकर चिढ़ाता था। इस पर रवि ने राहुल को बोला कि तू मुझे कोरोना क्यों कहता है, बस फिर क्या था। इसी बात को लेकर दोनों में बहस हो गई, विवाद आगे बढ़ा और जमकर मारपीट हुई। तो वहीं दूसरे मामले में एक नशेड़ी ने एक आदमी से शराब पीने के लिए 500 रुपए मांगे और मना करने पर उसने सामने वाले को धक्का देकर नीचे पटक दिया और जमकर मारपीट की। फिलहाल दोनों ही मामलों में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इतना ही। खबर को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहें वीक न्यूज़ एमपी। धन्यवाद।